अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। तो दोस्तों आज एक स्पेशल बेट के बारे में बात करेंगे जो कि रेहू के लिए है। और जबकि आप और हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, तो इसी समर सीज़न के ताल्लुक से मैंने सोचा कि कुछ बेट के बारे में बताऊँ जो अगर आप बना के लेके जाओगे तो इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं आओगे, आपको अच्छी मछली पकड़ में आपके जाल में आप लेके आओगे और आप एम्प्टी हैंडेड नहीं आओगे, मतलब कहने का ये है। तो आज उसी बेट के बारे में बात करेंगे, एक हुक बेट के बारे में जो कि रेहू के लिए है। तो कुछ बताने या दिखाने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इंट्रो देख लिया है, ये बेट उस जगह में आप इस्तेमाल करें जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मछली पकड़ते हैं, जहाँ पर पैसे दे के मछली पकड़ते हैं जैसे बंगाल बांग्लादेश वगैरह में होता है, या फिर जहाँ पर बहुत लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। और जल्दी किसी का बेट अब मछली लेती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो क्लेवर हो गई है, बहुत चालाक हो गई मछली और उनका या तो पेट भरा हुआ रहता है या फिर चालाक हो गई है काफ़ी, इसीलिए किसी का बेट जल्दी टच नहीं करती। तो उन सब जगहों में ये जो बेट है ये काम करेगा। और जो जगह में कोई मछली नहीं पकड़ता वहाँ तो काम करेगी, पर जो जगह में मछली बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं सब लोग, बहुत सारे एंगलर जाते हैं मछली पकड़ने, तो वहाँ पर भी ये काम करेगी। तो दोस्तों इसके लिए जो अव्वल चीज़ आपको लगेगा वो है पावरोटी का चूर, ठीक है। पावरोटी का चूर कैसे बनाया जाता है ये हमने बहुत बार आपको दिखा दिया और आप ऑलरेडी जानते होंगे। दूसरा चीज़ जो लगेगा दोस्तों वो है एंट एग या फिर उसका लार्वा। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं फोटो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो लार्वा कहते हैं एंट एग का। तो एंट एग या फिर लार्वा आप ले लीजिए, वो दोनों ही काम करेगा। फिर जो आपको चीज़ लगेगा वो है दोस्तों असली घी जो होता है, ठीक है। असली घी अगर घर का बना हुआ हो, एकदम असली प्योर घी हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देता है। फिर जो आपको लगेगा दोस्तों वो है शहद, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग हनी कहते हैं। हनी एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो कि मछलियों को बहुत पसंद है और बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मछलियों को मीठा खाना पसंद होता है, स्पेशली जितने भी कार्प फैमिली की मछलियां हैं सबको, ठीक है। और हरी मछली को, सभी मछली को खाना पसंद करता है, होता है। और स्पेशली हम लोग ने देखा है कि हम लोग जितने भी कार्प मछलियाँ होती हैं उनको हनी पसंद होता है, तो हम लोग अपने जो बेट बनाते हैं या चराई बनाते हैं उसमें हनी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको मीठा पसंद होता है। तो हनी के बाद फिर जो आपको क्या करना है अब इसको लेकर के दोस्तों, कि जो जो मैंने आपको कहा ब्रेड पाउडर, चुटी का अंडा, असली घी और शहद, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लीजिए। मिला करके इसको एक मतलब आटा की तरह कर लीजिए, होता ना जैसे आटा गोंद करके हम लोग कर लेते हैं, तो वैसे ही टाइप का कर लीजिए आप। और अगर इसको फिर वैसे ही करके खेलिए, ऊपर से थोड़ा चुटी अंडा लगा दिए चाप चाप करके और उसको फेंकिए। अगर ऐसा चीज़ आपका काम नहीं कर रहा है, अगर ये काम नहीं आ रहा है, मछली हुक नहीं हो रहा है, मतलब मछली नहीं खा रही है, बेट नहीं ले रही है, तो आपको फिर क्या करना है कि इसमें या तो फिर आपको स्ट्रॉबेरी का एसेंस, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला कुछ भी चीज़ जो आपको ग्रॉसरी दुकान में मिलता है वो आपको मिला देना है इसमें, या तो फिर आप केला का खुशबू वाला जो लिक्विड या फिर पाउडर आता है जो ग्रॉसरी दुकान में, मोदी दुकान में जहाँ चावल आटा वगैरह मिलता है, वहाँ पर इसे लेकर के रखें आप अपने बैग में क्योंकि ये काम आता है, तो वो मिला दीजिए आप। या तो फिर आप स्ट्रॉबेरी या तो फिर वेनिला या तो फिर बनाना का एसेंस खुशबू आप मिला करके इसमें खेल सकते हैं। और दोस्तों बेहतरीन रिजल्ट के लिए जहाँ पर ही आप ये खेलना चाह रहे हैं वहाँ पर ही हुक बेट फेंकने से पहले अपना एक घंटा पहले आप वहाँ चराई कर दें, जो चीज़ आप बनाए हैं वही चीज़ आप वहाँ पर ही फेंक दें और वहाँ से गायब हो जाए, उस जगह को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और फिर एक घंटे बाद वहाँ पर ही जा करके आप अपना हुक बेट फेंकें। और ध्यान रहे दोस्तों जब आप चराई करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना जा रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे लोगों में स्पेशली न्यू एंगलर जो होते हैं, जो नए नए शिकारी बनते हैं या शौक पैदा करते हैं और शिकार करने जाते हैं, तो ये गलती करते हैं कि वो जो चराई करते हैं ना, तो वो चराई एक जगह नहीं होता है, समझ लीजिए एक चराई यहाँ गिरा तो 4 फुट दूर में एक चराई गिरता है। अब जबकि उनका पास अनुभव नहीं है तो इसीलिए ऐसा होता है, 4 फुट बाद दूर में एक चराई गिरा, फिर जो 8 फुट दूर में कोई चराई गिरा, तो ऐसे चराई बिखर जाता है। या तो ये मिस्टेक करते या फिर इतना चराई कर देते हैं कि मछली ऑलरेडी खा करके ओवरलोड हो जाती है और फिर आपका हुक लेती नहीं, हुक बेट लेती नहीं है, बेट आपका खाती नहीं है हुक में जो रहता है। तो आपको ऐसा करना है कि कम मात्रा में चराई करना है। आप अगर अपना चराई से मछली का पेट भर दोगे तो फिर आप पकड़ोगे क्या, बात समझ रहे हैं। और चराई करने के लिए आप समझ लीजिए 1 मीटर बाय 1 मीटर के जगह में ही आपको चराई करना है। समझ लीजिए कि ये स्क्वायर एरिया जो है ये 1 मीटर बाय 1 मीटर है, तो आपको चराई यहीं पर ही करना है, चराई इसके इधर उधर नहीं होना चाहिए, चराई यहीं करें और हुक बेट भी यहीं फेंके। अब ये कैसे होगा, आप ट्राई करते रहोगे, जब फेंकने का ट्राई करते रहोगे तो इसमें आपका महारत हासिल हो जाएगा, फिर बार बार जब भी फेंकोगे तो एक ही जगह फेंकने लग जाओगे,
ठीक है। तो चराई आपको एक ही जगह करना है और एक ही जगह फिर आपको हुक बेड ही फेंकना है, तो इंशाल्लाह देखिएगा इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नए बेड के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकअल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।